जय श्री किसान भाइयों। किसान भाइयों, समय मिलता नहीं है और मेरे पास टॉपिक भी नहीं है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इसी कंफ्यूजन में रहता हूं कि क्या बनाऊं क्या करना हूं। पर हमेशा मैं आपके कमेंट वगैरह और आपका जो प्यार और सपोर्ट है देखता रहता हूं, तो कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर लेकर आऊँ, क्योंकि ये मैं यूट्यूब कर रहा हूं वो पार्ट टाइम कर रहा हूं, क्योंकि फुल टाइम इसे दूँ और इससे कुछ हासिल ना हो तो मैं इसे फुल टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। एज ए पार्ट टाइम मैं इसे यूट्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से जने ये यूट्यूब को फुल टाइम देते थे तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। आप यूट्यूब जब तक आपका चैनल मोनेटाइज ना हो, जब तक आपके चैनल से इनकम स्टार्ट ना हो, तब तक आप इसे एज ए पार्ट टाइम कीजिए। जब आपको टाइम मिले तब आप यूट्यूब वीडियो बना दीजिए और बाकी आप चलने दीजिए। किसान भाइयों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए एक भाई संदीप जाट है और एक भाई प्रकाश जी, इन दोनों भाइयों के गायें खाना खा रहा है, इन्होंने बंद कर दिया है और गायें खाना भी नहीं खा रही है और कुछ भी और फीड हो गई। या प्रकाश जी की जो गाय है वो काफ़ी दिनों तक बीमार रही, बीमार होने के बाद वो गाय स्ट्रेस में या ऐसे चली गई, तो उन्होंने मुझे उस गाय का वीडियो भी सेंड किया और उन्होंने मुझे यूट्यूब पर कमेंट भी डाली कि भैया हमारे ये दिक्कत है और गाय कुछ भी खा नहीं रही है और दूध भी इसने कम देना लगे। ऑब्वियसली बात ऐसी है, अगर गाय खाएगी नहीं तो दूध कहाँ से देगी। जब तक गाय खाना, अगर गाय बंद कर देती है और खाती नहीं है तो दूध देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रकाश जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे पाउडर हैं मार्केट के अंदर, जैसे रूमन टास है, टोनिकाइंड है और बहुत सारे पाउडर है। तो मैं जो मेरी जो पेटी है, प्राथमिक पेटी इधर, हाँ, इस गाय के वो दोनों गाय उसके आगे पड़ी हुई है, आपको दिखता हो तो उसमें से जब मैंने देखा कि क्या है आपके लिए, तो ये लेटीफोर पाउडर आता है। ये लेटीफोर पाउडर केरस कंपनी का आता है और ये जब गायें ओवर फीड हो जाती है, गायें जब ओवर फीड हो जाती है, बीमार रहती है और फिर बीमारी के बाद खाना पीना बंद कर देती है, तो उसके लिए ये लेटीफोर पाउडर काम में आता है। लेटीफोर पाउडर इसके अंदर 3 पाउच आते हैं 10 ग्राम के, तो आप 1 पाउच को 2 टाइम भी यूज़ करते हो और ज़्यादा आपकी गाय खा नहीं रही है या बिल्कुल खाना बंद कर दिया, तो आप 1 पाउडर को 1 टाइम में यूज़ कर सकते हो और उसे खिला सकते हो। ये लेटीफोर पाउडर केरस कंपनी का आएगा आपको और इसके अंदर आपको पाउच मिलेंगे, तो आप ऐसे पाउच आएंगे इसके अंदर, तो आप इसे दलिए के अंदर, या कैसे भी आप इसको खिला सकते हो। आप दलिए के अंदर, बाटे के अंदर आप इसको मिला लें और खिला दें, तो जिससे भी आपकी गाय अगर खा नहीं रही है, लेटीफोर पाउडर ओवर फीड में काम आता है। अगर आपका पशु बीमार हो गया और खा नहीं रहा है तब काम आता है। अगर आपने फीड चेंज कर दिया और आपका पशु वो फीड नया फीड नहीं खा रहा है तब भी लेटीफोर पाउडर काम आता है। लेटीफोर पाउडर के बहुत सारे यूज़ है, अगर आप इनमें से आपके कोई भी बीमारी हो आपके पशु को, तो आप लेटीफोर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और भी लेटीफोर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गूगल या यूट्यूब पर आप सर्च करके पता कर लेंगे। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसकी 1 पाउच मैंने अपनी गाय को खिला दिया है। अगर आपकी गाय को दस्त लग गई है, आपकी गाय खाना पीना बंद कर दिया है, आपके गाय के भैंस के गोबर में बदबू सी आ रही है, तब भी आप लेटीफोर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अगर आपकी गाय बीमार नहीं और कम खा रही है तो आप ये इकोटास टेबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार टेबलेट है इकोटास। और अगर ये इंटास कंपनी की आती है, अगर ये मैं कहता हूँ अगर आपकी गाय कुछ नहीं खा रही तो लकड़ियाँ तक खाने लग जाएगी इकोटास से, पर ये है ना, ये बीमारी में काम नहीं आएगी। बीमारी में आपको लेटीफोर करना है और आपकी गाय सही है और फिर भी कुछ नहीं खा रही तो आप इकोटास दे सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, और कल हम वीडियो बनाएंगे पटेल डेयरी फार्म गुजरात के लिए। उन्होंने हमें कमेंट पिन किया है कि भैया आपकी जो डेयरी पर जो बोतल आप पैक करते हो, सप्लाई करते हो, तो वो बोतल किस सेट में आई है, कहाँ से हमने बोतल ली है, उनका एड्रेस, प्लस जो बैग हमने यूज़ करे वो बैग पैकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी इक्विपमेंट है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे मिले। तो चलते हैं दोस्तों, जय शंकर की, जय गौ माता, धन्यवाद।